गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्टेट विद्या यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन ने जो मेगा क्लास स्टार्ट की थी, अपन ने जो बायोलॉजी की रिवीजन के लिए, कंप्लीट रिवीजन के लिए जो मेगा क्लास स्टार्ट की थी, उसकी क्लास नंबर आज अपन लेके आए हैं। कौन सी? आज अपन क्लास नंबर लेके आए हैं 9। कौन सी क्लास नंबर लेके आए हैं? 9 नंबर की क्लास लेके आए हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपको जो 8 क्लास ली है मैंने, वो आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको 8 क्लासें कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, अपन ने जो मेगा प्लान स्टार्ट किया था बायोलॉजी के कंप्लीट रिवीजन के लिए, ओनली 20 क्लास में, कितनी क्लासों में? ओनली ओनली 20 क्लास में पूरी बायोलॉजी का अपन रिवीजन करने वाले हैं। यानी प्रत्येक क्लास में अपन कितने एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले थे? 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले थे। तो 20 क्लास में टोटल मिला के अपने पास 1000 एमसीक्यू क्वेश्चंस हो जाएंगे दोस्तों। और इतने एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत होते हैं, अगर इतने एमसीक्यू क्वेश्चन अपन लगा लेते हैं तो आरयूएस एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं दोस्तों सभी स्टूडेंट्स को। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ कि स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर 10 मॉडल पेपर आ रहे हैं दोस्तों। जल्द ही 1 या 2 दिन में 10 मॉडल पेपर तैयार हो चुके हैं। 10 मॉडल पेपर तैयार हो चुके हैं विथ हिंदी और इंग्लिश में, दोनों में तैयार हुए हैं दोस्तों। हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में मॉडल पेपर तैयार हो गए हैं, जिनसे 70-80% क्वेश्चंस आने वाले हैं। किसमें? आरवीएचएस इंटर्स एग्जाम में। उन्हीं क्वेश्चनों से 70-80% क्वेश्चंस आने वाले हैं आरवीएचएस इंटर्स एग्जाम में। ध्यान रखना दोस्तों, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं जो 10 मॉडल पेपर तैयार किया है, हूबहू जो आरवीएचएस इंटर्स एग्जाम में पेपर आएंगे, जो आरवीएचएस इंटर्स एग्जाम में पेपर होगा, हूबहू वैसे ही 10 पेपर अपन स्टडी विद देव ने तैयार किए हैं। कितने? 10 पेपर तैयार किए हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में, क्योंकि इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स की भी बार बार कंप्लेन आ रही थी कि हमारे लिए भी कुछ करो, तो उनके लिए भी इंग्लिश में पेपर तैयार किए गए हैं। तो तैयार है ना दोस्तों, और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। 1 या 2 दिन में आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा विद वीडियो बना के, देव सर आपको बता देंगे कब उनको पब्लिश करने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको क्या मिलने वाला है दोस्तों, इसके अलावा भी और भी मटेरियल मिलने वाला है साथ में। जितने भी अभी तक सभी क्लासे हो चुकी है एमसीक्यू क्वेश्चंस की, जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस की देव सर की, मैम की और मेरी जितनी भी क्लासे हो चुकी है, उन सभी की पीडीएफ भी उनके साथ मिलने वाली है। तो हो जाओ तैयार साथियों, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज आप भी थोड़ा सपोर्ट बनाओ और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी कोई भी नोटिफिकेशन आए या कोई मॉडल पेपर जब भी आए आपको, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो जल्दी से क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, आपका ज्यादा टाइम नहीं लगे। आज की क्लास छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी थी वो दे दी, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है सबसे पहला नंबर क्वेश्चन? आतर अंकुरों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ध्यान रखना दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना कि आतर अंकुरों के लिए कौन सा विकल्प सत्य नहीं है वो बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है, इनमें सूक्ष्म अंकुर होते हैं, इनसे सतही क्षेत्र बढ़ जाता है, इनके भीतर कोशिका इलेक्ट्रिक वाहिकाएं होती है, ये केवल वसाओं के पाचन में भाग लेते हैं। क्या आएगा दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जल्दी से राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हुआ क्या? फोर्थ। क्या आएगा इसका राइट आंसर? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर टू आपके सामने दे रखा है। क्वेश्चन नंबर टू आपके सामने दोस्तों, यकृत अग्नाशय वाणी ग्रहण में खुलता है और इसका वहन करता है, पीत का, अग्नाशय रस का, पीत और अग्नाशय रस का और लार का, किसका वहन करता है? जल्दी से राइट आंसर बताइए दोस्तों। मैंने आपको नोट्स में ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले सारे चैप्टर अच्छे से क्लियर करवाए थे, मैंने आपको पूरे नोट्स में ह्यूमन फिजियोलॉजी की जितनी भी क्लास ली थी वो अच्छे से पढ़ाई थी दोस्तों, विद क्वेश्चनों के साथ।
तो जल्दी से जल्दी अपने इसके क्वेश्चंस करेंगे, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए सारे क्वेश्चंस में। क्या है इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर टू का। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, पीत और अग्नाशय रस। क्या है इसका राइट आंसर, पीत और अग्नाशय रस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री आपके सामने दे रखा है, नंबरिंग भी मत जाना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थ्री आपके सामने दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकार पाचन तंत्र से संबंधित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा विकार पाचन तंत्र से संबंधित नहीं है, ध्यान रखना दोस्तों, टिटनेस, दस्त, पीलिया, पेचिस। क्या आएगा जल्दी से कमेंट करो इसका राइट आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, फर्स्ट, टिटनेस होता है वो पाचन तंत्र से संबंधित नहीं होता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर आपके सामने है, एक ग्रंथि है जो आहार नाल से संबंधित नहीं है, ध्यान रखना, फिर से वही पूछा है कि आहार नाल से संबंधित कौन सी ग्रंथि नहीं है इनमें से, वो बताना है। क्वेश्चन नंबर फोर आपके सामने दे रखा है, अग्नाशय, यकृत, लाल ग्रंथि और एड्रेनलिन। क्या आएगा इसका राइट आंसर, फटाफट से कमेंट करो दोस्तों इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर फोर। आज जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि ये चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे चैप्टर मैंने बहुत ही अच्छे से करवाए थे आपको, तो जल्दी से कमेंट करो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, एड्रेनलिन ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि, एड्रेनलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव आपके सामने दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फाइव आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन नंबर फाइव पे, दोनों कॉलम फर्स्ट ए और बी दे रखा है अपन को, क्वेश्चन नंबर फाइव आपके सामने है। क्या क्या दे रखा है अपन को, दो कॉलम दे रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड, स्तंभ फर्स्ट स्तंभ सेकंड को मिलाना है, ग्रहणी दे रखा है फर्स्ट में, फिर घाटी ढक्कन दे रखा है, घाटी दे रखा है, सिकम दे रखा है, इनको मिलाना है किन से, स्तंभ सेकंड से मिलाना है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फाइव आपके सामने है, इसका जल्दी से राइट आंसर कमेंट कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट आंसर होगा क्या, मैं मिला देता हूं दोस्तों, मैं आपको मिलवा देता हूं कि जो ग्रहणी है उसमें क्या आएगा, ग्रहणी क्या होती है, अमाशय से निकलने वाली व्यूह आकृति की संरचना होती है। किसकी, अमाशय से निकलने वाली व्यूह आकृति की संरचना होती है, ठीक है। उसके बाद में आएगा घाटी ढक्कन क्या होता है, एक उपास्थल छल्ला होता है, ठीक है दोस्तों। घाटी क्या होती है, ये एक वायु नली द्वारा होती है। इसका यह आएगा सिकम क्या होता है, छोटी बंद थैली होती है। तो इसका राइट आंसर जाएगा कौन सा, थर्ड। क्या जाएगा इसका राइट आंसर, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हेलो बच्चों, अगर आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है, अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी करनी है और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो, तो आप सबके लिए एक गुड न्यूज, डाउटनेट अप्लाई है आप सबके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां इंग्लिश के टॉप टीचर्स आपको एकदम बेसिक से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी हिंदी भाषा में। यानी अब आप हमें से हर बच्चा अंग्रेजी बोल सकता है, और साथ ही इस कोर्स के अंत में आप सबको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो अभी जाइए और डाउटनेट ऐप पर यह कोर्स खरीदिए और अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए। पूरे भारत में सबसे बढ़िया दाम और इतना टॉप क्वालिटी का कोर्स सिर्फ डाउटनेट पर मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके सामने है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है और विभिन्न कार्यों में उसका योगदान होता है, निम्न से एक गलत विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए दोस्तों, एक गलत विकल्प का चयन करना है, कार्बोहाइड्रेट उपापचय, वसा उपाचन, पीत का बनना, गैस्ट्रिन नामक हार्मोन का स्त्राव। क्या आएगा इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करो, यकृत ग्रंथि के लिए कौन सा गलत कथन है, किसके लिए, यकृत ग्रंथि के लिए कौन सा कथन गलत है, फटाफट से इसका राइट आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों, फटाफट। इसका राइट आंसर होगा क्या, फोर्थ। क्या आएगा इसका राइट आंसर, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन आपके सामने है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेवन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है, ध्यान से पढ़ो दोस्तों क्वेश्चन, सही कथन का चुनना है। क्या आएगा, पहला ऑप्शन दे रखा है ट्रिप्सिनोजन एक निष्क्रिय एंजाइम है, ट्रिप्सिनोजन एक निष्क्रिय एंजाइम है दोस्तों, ये कथन क्या है, सही है। ट्रिप्सिनोजन का स्त्रावण आंत्र मुखिशा से होता है, ये गलत है दोस्तों। एंट्रियोकाइनेज का स्त्रावण अग्नाशय से होता है, ये भी गलत है। पीत में ट्रिप्सिन पाया जाता है, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों क्या, फर्स्ट। क्या जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आठ आपके सामने है, रक्त श्रेणित व्यक्ति के रक्त में अनावश्यक रूप से बहुत संख्या में अपरिपक्व केंद्रक युक्त
आरबीसी पाई जाती है। इस स्थिति में निजात पाने के लिए निम्न में से आप संतुलित आहार में क्या देने की सलाह देंगे? कोई व्यक्ति है उसमें रक्त श्रेणी व्यक्ति है, उसमें बहुत ही अपरिपक्व केंद्रक आरबीसी पाई जाती है अनावश्यक रूप से, तो निजात पाने के लिए आप संतुलित आहार में क्या देंगे उसे, जो उससे वो सही हो जाएगा? प्रोटीन दोगे आप, विटामिन दोगे उसे या फोलिक अम्ल दोगे, विटामिन के या लोहा आयरन, क्या दोगे आप इसको वो बताना है। जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर दोस्तों क्या, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, आयोडीन टेस्ट किसे कैसे पहचानने के लिए किया जाता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, काइनेटिन, क्या है इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का आयोडीन का टेस्ट किसके लिए किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट के लिए। किसके लिए किया जाता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है दोस्तों, क्या है क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है दोस्तों, निम्न में से कौन सी वसा में घुलनशील विटामिन है? वसा में घुलनशील विटामिन बताना दोस्तों, जल्दी से कमेंट करो इसका राइट आंसर, जल्दी से राइट आंसर कमेंट करो दोस्तों। वसा में घुलनशील विटामिन है, कौन सा है? जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा दोस्तों फोर्थ, क्या आएगा? टोकोफेरोल, क्या आएगा? टोकोफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, निम्न में से किस कमी के कारण चोट ग्रस्त हिस्से में लगातार खून का बहाव होता है? ध्यान रखना दोस्तों, मैंने ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चोट ग्रस्त हिस्से से लगातार खून का बहना किस विटामिन की कमी के कारण होता है वो बताना है दोस्तों, जल्दी से राइट आंसर कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का फटाफट से राइट आंसर कमेंट करो दोस्तों, कौन सा आएगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, विटामिन के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 12 है, किस विटामिन में कोबाल्ट साइनाइड लिंकेज उपस्थित होता है? किस विटामिन में कोबाल्ट साइनाइड लिंकेज उपस्थित होता है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, B6 और विटामिन B12 है, क्या आएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का, क्वेश्चन नंबर 12 का जल्दी से राइट आंसर कमेंट करो दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कोबाल्ट साइनाइड लिंकेज पाया जाता है किसमें? विटामिन B12 में। किसमें पाया जाता है? विटामिन B12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, बच्चों में रैकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया किसकी कमी से होता है? बच्चों में तो रैकेट्स और वयस्कों में कौन सा रोग? ऑस्टियोमलेशिया रोग किसकी कमी से होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। किसकी कमी से होता है दोस्तों? विटामिन डी की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है दोस्तों, क्या है? विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन ए किससे प्राप्त होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। विटामिन ए किससे प्राप्त होता है? अच्छा स्रोत क्या है? सेब, गाजर, शहद, मूंगफली, क्या आएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करो, गाजर, क्या आएगा विटामिन ए? गाजर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, स्टार्च और सेलुलोज किनकी इकाइयों की यौगिक है? स्टार्च और सेलुलोज, जल्दी से कमेंट करो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का, क्वेश्चन नंबर 15 का जल्दी से राइट आंसर कमेंट कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स, क्या आएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, सरल शर्करा है। स्टार्च और सेलुलोज क्या है? सरल शर्करा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को जरूर ऑन कर ले, ताकि जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन आए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। और प्लीज एक बार क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दो सभी स्टूडेंट्स, एक बार क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दो सभी स्टूडेंट, जल्दी से जितने भी आपके पास ग्रुप्स है सब में शेयर कर दो। प्लीज एक बार क्लास को जरूर शेयर कर दो सभी स्टूडेंट जल्दी से, ताकि सभी के पास क्लास पहुंच सके। और आपको मैं बता दूं फिर से, स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल की तरफ से, स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल की तरफ से 10 मॉड्यूल पेपर निकाले जा रहे हैं, पब्लिश करने वाली है स्टडी विद देव की आर्मी, 10 मॉड्यूल पेपर पब्लिश करने वाली है एक या दो दिन में, जिनसे आरयूएस एंट्रेंस एग्जाम में हूबहू 70-80% क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सेम जो आरयूएस का
पेपर होता है उसी हिसाब से 10 पेपर बनाए हैं स्टडी विद देव यूट्यूब की टीम ने मिलके। तो आप इस चैनल पर बने रहें और पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने दोस्तों, क्या है क्वेश्चन नंबर 16, जटिल रस के स्त्रावण को कौन सा हार्मोन उद्दीपन करता है? जटिल रस के स्त्रावण को कौन सा हार्मोन उद्दीपन करता है? सेक्रेटिन, गैस्ट्रिन, कोलेसिस्टोकाइनिन या गैस्ट्रिन, गैस्ट्रोन और गैस्ट्रिन। ठीक है दोस्तों, तो क्या आएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर बता दीजिए जल्दी से। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा हार्मोन, गैस्ट्रिन, फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने दोस्तों, क्या है कोलेसिस्टोकाइनिन तथा ड्यूओक्राइनिन का स्त्रावण होता है? आंत्र द्वारा, अग्नाशय रस द्वारा, ग्रहणी और ग्रसिका, किसके द्वारा होता है दोस्तों वो कोलेसिस्टोकाइनिन? जल्दी से राइट आंसर कमेंट करो दोस्तों, क्या आएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का जल्दी से राइट आंसर कमेंट कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, फर्स्ट, किसके द्वारा, आत्र के द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18, शरीर का कौन सा भाग सेक्रेटिन हार्मोन का स्त्रावण करता है? जल्दी से राइट आंसर कमेंट करो, क्या आएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, थर्ड, ड्यूडेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने दोस्तों, क्या है क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, पित्ताशय का संकुचन किसके द्वारा होता है? गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन और एंटीरोगेस्ट्रोन, क्या आएगा इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 19 का पित्ताशय का संकुचन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है दोस्तों पित्ताशय का संकुचन? कोलेसिस्टोकाइनिन के द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने दे रखा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, अग्नाशय की कोशिकाएं अग्नाशय के एंजाइम द्वारा नहीं पच पाती है? जो अग्नाशय की कोशिकाएं होती है वो अग्नाशय के एंजाइम द्वारा नहीं पच पाती, इसका क्या कारण है वो बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है एंजाइम अक्रिय रूप में स्त्रावित होते हैं। दूसरा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों कि कोशिकाएं म्यूकस झिल्ली द्वारा आश्रित नहीं रहती है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है एंजाइम की जब जरूरत होती है तभी स्त्रावित होते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होता है, क्यों नहीं होती वो एंजाइम द्वारा नहीं पच पाती, क्यों नहीं पच पाती, एंजाइम अक्रिय रूप में स्त्रावित होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज और राइबोन्यूक्लिएज किसके द्वारा स्त्रावित होते हैं? यकृत, अमाशय, अग्नाशय और वक्र, किसके द्वारा होते हैं दोस्तों? जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 21 का, जल्दी से सभी स्टूडेंट्स राइट आंसर कमेंट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 21। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का क्या आएगा, अग्नाशय द्वारा, किसके द्वारा होते हैं, अग्नाशय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, 22 क्वेश्चन नंबर आपके सामने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, आहनाल की भित्ति में बाहर से भीतर की ओर परतों का क्रम बताना है, किस तरफ से ध्यान रखना दोस्तों, बाहर से भीतर की ओर बताना है। ठीक है, सिरोसा, अनुलंबन पेशी, म्यूकोसा, सम्यूकोसा, म्यूकोसा, सिरोसा, लंबी पेशी, सिरोसा, वर्तुलंबी पेशी, सम्यूकोसा, म्यूकोसा, सिरोसा, पेशी स्तर, सम्यूकोसा, म्यूकोसा, क्या आएगा इसका राइट आंसर कमेंट करो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 बाहर से अंदर की ओर बताना दोस्तों, ध्यान रखना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, बाहर से अंदर की ओर क्रम बताना है परतों का, क्या आएगा इसका राइट आंसर कमेंट करो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, फोर्थ, सिरोसा, पेशीस्तर, सम्यूकोसा, फिर आती है कौन सी, म्यूकोसा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, टाइलिन एक एंजाइम है, टाइलिन एक एंजाइम है, किसका, लार का, अग्नाशय रस का, आत्रीय रस का, उपरोक्त में से कोई नहीं।
क्या है इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का, जल्दी से कमेंट करो। टाइलिन क्या है, एक एंजाइम है, किसका है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर को दोस्तों क्या, फर्स्ट क्या आएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने दे रखा है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, बाइल का मुख्य कार्य क्या है, बाइल का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों वो बताना है। ये वसा को एंजाइमिक क्रिया द्वारा पचाते हैं, ये वसा को पाचन के लिए एमल्सीकृत करते हैं, वर्ज्य पदार्थों को निकालते हैं, क्या है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने दे रखा है, स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड, उसको मिलाना है दोस्तों। क्या दे रखा है स्तंभ फर्स्ट में, टाइलिन दे रखा है, पेप्सिन दे रखा है, ट्रिप्सिन दे रखा है, न्यूक्लियस दे रखा है, इसमें लिपिड स्टार्च डीएनए और प्रोटीन दे रखा है, यानी इनका पाचन किसका करते हैं वो बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिलाने वाले क्वेश्चन आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर से आपके लिए। तो इसका जल्दी से राइट आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 का क्या आएगा इसका राइट आंसर बता दीजिए। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि टाइलिन होता है, टाइलिन वो क्या करता है, टाइलिन करता है दोस्तों स्टार्च का पाचन, ठीक है। तो एम में तो क्या आएगा, सेकंड। पेप्सिन क्या करता है दोस्तों, पेप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन, ठीक है। उसके बाद में आता है स्ट्रिप्सिन, किस क्या करता है, तो स्ट्रिप्सिन करता है दोस्तों लिपिड का पाचन, किसका, लिपिड का। उसके बाद में आता है न्यूक्लियस, किसका, डीएनए का। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ए में सेकंड, बी में फोर्थ, सी में फर्स्ट, डी में फोर्थ। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर, थर्ड। क्या आएगा इसका राइट आंसर, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 26, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम का स्त्रावण किसके द्वारा होता है, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम का स्त्रावण किसके द्वारा होता है दोस्तों, लार ग्रंथि द्वारा, अमाशय द्वारा, पित्ताशय द्वारा या अग्नाशय द्वारा, किसके द्वारा होता है दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर, जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 का इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, फोर्थ। क्या आएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, पेयर पेचिस में होता है, श्लेष्मा, तेल स्त्रावण, लिम्फोसाइट, लाल रक्त कणिकाएं, क्या आएगा इसका राइट आंसर, पेयर पेचिस में होता है, क्या होता है दोस्तों, पेयर पेचिस में बताना है क्या होता है, लिम्फोसाइट। क्या आएगा, लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 28, दांत का प्लिप कैविटी किसके द्वारा आश्रित होती है, जो दांत की प्लिप कैविटी है वो किसके द्वारा आश्रित होती है वो बताना है दोस्तों, ओडेंटोब्लास्ट, कोंड्रोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट या एमाइलोब्लास्ट, किसके द्वारा होती है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करो। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने दोस्तों, तो किसके द्वारा होती है, ओडोंटोब्लास्ट के द्वारा, किसके द्वारा, ओडोंटोब्लास्ट के द्वारा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, ल्यूब्रिकुलह की जो दरारें किस में पाई जाती है, आंतर में, अमाशय में, यकृत में या उपरोक्षमी में, क्या है इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 का क्या आएगा, जो ल्यूब्रिकुलह की जो दरारें पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है वो बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, फर्स्ट, कहां पाई जाती है, आंतर में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 30, वी अमीनीकरण में होता है, वक्र जो खालिस्तान दे रखा उसे भरना है दोस्तों, वक्र, यकृत, नेप्रोन 1/2, क्या है इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। वी अमीनीकरण यानी अमोनिया का अमीनीकरण होता है, जो अमीनो अम्ल है उनका पाचन कहां कहां होता है दोस्तों वो बताना है, क्या आएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1/2, वक्र और यकृत में होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है, पीत रस का वह भाग जो पाचन में सहायता करता है, पीत रस का कौन सा भाग है जो पाचन में सहायता करता है, कौन सा करता है दोस्तों, फटाफट से इसका राइट आंसर कमेंट करो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 का इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फटाफट आपसे, क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32, पेप्सिनोजन
क्वेश्चन नंबर 32, पेप्सिनोजन का स्त्रावण किसके द्वारा होता है? चीप कोशिकाएं करती है, पेराइटल कोशिकाएं करती है, गैस्ट्रिक ग्रंथियां करती है, आंतरिक कोशिकाएं। क्या है इसका राइट आंसर? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 32 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या? फर्स्ट। क्या आएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने दोस्तों। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर ऑन कर ले, ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके। और क्लास को अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया हो तो प्लीज क्लास को अधिक से शेयर कर दो, सारे ग्रुपों में शेयर कर दो, जितने भी आपके पास है ग्रुप है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी आपके पास फेसबुक पेज हो तो वहां पर शेयर कर दो प्लीज एक बार क्लास को सभी स्टूडेंट्स, ताकि सभी के पास क्लास पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, स्टडी विद देव आपके लिए 10 मॉडल पेपर ला रहा है जल्द ही, एक या दो दिन में। तो प्लीज चैनल से जुड़े रहे हैं, उन मॉडल पेपर से हूबहू 70-80% क्वेश्चंस आने वाले हैं, किसमें? आरएचएस इंटरस एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वर्ष से कम आयु के वाले शिशुओं को स्तनपान छुड़वाकर कम प्रोटीन तथा कम कैलोरी की अल्प पोषण वाले आहार कराया जाए तो उन्हें कौन सा रोग हो जाने की संभावना होती है? ध्यान रखना दोस्तों, कम प्रोटीन और कम कैलोरी, बड़े क्वेश्चन पे बच जाना कि इतनी बड़ा लैंग्वेज क्वेश्चन है, सीधे पॉइंट पकड़ना कि कम प्रोटीन और कम कैलोरी की वजह से कौन सा रोग होता है। घुमाने वाले क्वेश्चन है दोस्तों, इतनी बड़ी लैंग्वेज देख के अपन को कंफ्यूज किया इसने और कुछ भी नहीं किया। सीधा सा क्वेश्चन है कि कम प्रोटीन और कम कैलोरी की कमी से कौन सा रोग होता है। क्या है इसका राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 33 कौन सा रोग होता है दोस्तों? कम प्रोटीन और कम कैलोरी की कमी से, तो इसकी कमी से रोग होता है दोस्तों मरास्मस। क्या आएगा? सेकंड। क्या आएगा इसका राइट आंसर? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से सत्य कथन चुनना है दोस्तों, निम्न में से सत्य कथन चुनना है। एजिंटाफीन कोशिकाएं सीरोटोनिन उत्पन्न करती है, विलिकिनिन बड़ी आंतों द्वारा स्रावित होता है, केलोसिस में निकोडिनामाइड की कमी होती है, या विटामिन ई की कमी से हीमोफीलिया रोग होता है। सत्य कथन का चुनना है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने दे रखा है। फटाफट से सभी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कमेंट कर दीजिए एक बार। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या? फर्स्ट। क्या है इसका राइट आंसर? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा विटामिन की कमी से होने वाला रोग नहीं है दोस्तों? ध्यान रखना दोस्तों, नहीं है। रतौंधी, क्रेटोमलेसिया, जिरोप्थिलिया या गलगंड, कौन सा रोग नहीं है दोस्तों? फटाफट से राइट आंसर कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 35, विटामिन की कमी से होने वाला रोग नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों? गलगंड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 36, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 36 है, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं आपको, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आ सकता है एज इट इज आरएचएस एंट्रेंस एग्जाम में, एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान रखना दोस्तों, ये अपन को ए बी सी डी ई और एफ बताना है। जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 36 का जल्दी से राइट आंसर कमेंट कर दीजिए, ए बी सी डी ई और एफ बताना है। ठीक है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करो इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर को दोस्तों क्या क्या आएगा इसका राइट आंसर? थर्ड। ए क्या है? सिकम। बी क्या है? कर्मी रूपी प्रिसिका। ठीक है दोस्तों, ये रही, ए क्या है? सिकम। ठीक है, उसके बाद में सी क्या है? अरोही वधात्र सीयरा। डी कहा है इसमें? अनुप्रस्थ वधात येरा। ठीक है दोस्तों, ई क्या है? येरा। और एफ है येरा सिग्मोइड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा क्या? क्या जाएगा इसका राइट आंसर? थर्ड। हेजिटेज क्वेश्चन में आ सकता है, सेम डिटो क्वेश्चन आ सकता है आरएचएस इंटरस एग्जाम में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने दे रखा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37, मानव में उपस्थित दांत होते हैं, मानव में उपस्थित दांत होते हैं एकवारदंती, द्विवारदंती, द्विवारदंती तथा समदंती, एकवारदंती तथा गृहदंती, एकवारदंती तथा समदंती, द्विवारदंती तथा विषमदंती। क्या आएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर बता दीजिए एक बार। तो उसका राइट आंसर को दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 का फोर्थ, द्विवारदंती तथा विषमदंती होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है, पीत लवण कौन से एंजाइम को सक्रिय करते हैं, पीत लवण कौन से एंजाइम को सक्रिय करते हैं दोस्तों, लाइपेज को, किसको करते हैं, लाइपेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं उपस्थित होती है, जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं उपस्थित होती है वो कहाँ होती है, अग्रपीयूष ग्रंथि में, वलकुट, वक्र वलकुट में, प्लिया या अंतःस्रावी ग्रंथि से, किसमें होती है दोस्तों, फटाफट से इसका राइट आंसर कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है, क्या आएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आज की क्लास का सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने दे रखा है, प्राणी शरीर में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित खनिज कौन सा है, कौन सा है दोस्तों, प्राणी शरीर में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित खनिज कौन सा है दोस्तों, क्या है इसका राइट आंसर, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम। जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करके जल्दी से कमेंट करो इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, सेकेंड, क्या आएगा, सेकेंड। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर ऑन कर ले, ताकि जब भी नर्सिंग और पैरामेडिकल जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, 41 नंबर क्वेश्चन है आपकी क्लास का। स्तंभ फर्स्ट दे रखा है, स्तंभ सेकंड दे रखा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चषक कोशिकाएं, लाइसोएंजाइम, लार, ऑक्सीडेंटी कोशिकाएं। ठीक है, स्तंभ सेकंड में दे रखा है, प्रतिजीवाणु कारक, श्लेष्मा, एससीएल, अधिजीवा ग्रंथि। तो वो बताना है दोस्तों अपन को, क्या है इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 का जल्दी से राइट आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आरएचएस सेंटर्स एग्जाम में आ सकता है हूबहू। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूं दोस्तों आपको, मैं मिलाता हूं, चषक कोशिकाएं। ठीक है, जो चषक कोशिकाएं होती है वो क्या करती है, श्लेष्मा। ठीक है, उसके बाद में लाइसोएंजाइम क्या करता है दोस्तों, लाइसोएंजाइम, लाइसोएंजाइम में क्या आएगा दोस्तों, लाइसोएंजाइम क्या है, एक प्रतिजीवाणु कारक है। लार क्या है, लार में क्या आएगा दोस्तों, जल्दी से लार। ठीक है दोस्तों, लार में क्या आएगा, कहां पाई जाती है लार ग्रंथि, अधोजीवा ग्रंथि। ठीक है, उसके बाद में है ऑक्सीडेंटी कोशिकाएं, एससीएल का निकालती है दोस्तों, ऑक्सीडेंटी कोशिकाएं, एससीएल, याद करो मैंने आपको बताया था। तो इसका राइट आंसर वो क्या दोस्तों, फर्स्ट, क्या आएगा इसका राइट आंसर, फर्स्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको लिया है, आ सकता है हुबहु क्वेश्चन, क्या आएगा इसका राइट आंसर, फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। मैं आपको फिर से बता दूं, स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल आपके लिए ला रहा है 10 मॉडल पेपर हूबहू, जो आरएचएस एंट्रेंस एग्जाम के पेपर बनते हैं उसी हिसाब के 10 मॉडल पेपर ला रहा है आपके लिए, एक या दो दिन में पब्लिश करने वाला है, जिनसे 70-80% क्वेश्चन, 70-80% क्वेश्चन जो आरवीसी इंटर्स एग्जाम में आएंगे उसमें आने वाले हैं। तो प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर ऑन कर ले। दूसरी इंफॉर्मेशन है, जो 10 मॉडल पेपर होंगे वो हिंदी व इंग्लिश दोनों में होने वाले हैं, तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, पहला ऐसा चैनल होगा जो 10 मॉडल पेपर ला रहा है विथ हिंदी और इंग्लिश में। इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एक या दो दिन में वीडियो बना के इस जो मॉडल पेपर है इसको पब्लिश करने वाला है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।